आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। फिलहाल बायोमेट्रिक्स हाजिरी नहीं बनाएंगे पारा शिक्षक। प्रदेश संयोजक के निर्देश पर अड़े पारा शिक्षक। डॉक्टर रामानुज ने थामा आजसू का दामन। पूरे राज्य में पार्टी की पैठ बढ़ाने का प्रयास। 81 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। हेमंत सोरेन ने कहा कि झामुमो राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेगा लोकसभा चुनाव। निर्वाचन आयोग का फरमान, 3 साल से जमे अफसरों को 28 फरवरी तक हटाएं। आज की राजनीतिक हलचल। मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा गद्दार हैं। विधायक राम कुमार ने कहा 4 साल में आदिवासियों का हुआ उद्धार। आज की प्रमुख हेडलाइंस। फायरिंग करने वाले 2 उग्रवादियों को ग्रामीणों ने पीटा। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। राज्य के पारा शिक्षकों ने निर्णय लिया है कि वे फिलहाल बायोमेट्रिक्स विधि से हाजिरी नहीं बनाएंगे। वे पहले 90 दिनों तक राज्य सरकार के रवैये का इंतजार करेंगे, इसके बाद इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। दरअसल एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संयोजक विनोद बिहारी महतो ने पारा शिक्षकों के समूह से आह्वान किया है कि वे बायोमेट्रिक्स प्रणाली से हाजिरी नहीं बनाएंगे। उन्होंने अपनी अपील में कहा है कि साथियों, हमारा आंदोलन खत्म नहीं, स्थगित हुआ है। मुख्यमंत्री रघुवर दास के आश्वासन पर 90 दिन तक के लिए हड़ताल स्थगित की गई है। इस दौरान सरकार ने हमारे लिए नियमावली बनाते हुए अन्य मांगों को पूरा करने की बात कही है। महतो ने आगे कहा कि साथियों, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम बायोमेट्रिक से हाजिरी नहीं बनाएंगे। यह भी कहा कि कोई अधिकारी इसे लेकर पारा शिक्षकों पर दबाव नहीं बनाएगा। बायोमेट्रिक्स हाजिरी के लिए दबाव बनाए जाने पर जोरदार विरोध किया जाएगा। इस अपील को लेकर पारा शिक्षक भी बायोमेट्रिक्स प्रणाली का बहिष्कार कर रहे हैं। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। आजसू ने राज्य में 81 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर पार्टी पूरे राज्य में और सभी वर्गों के बीच अपनी पैठ बढ़ाने का प्रयास तेज कर दिया है। इसी कड़ी में रविवार को चिकित्सक डॉक्टर रामानुज ने सैकड़ों समर्थकों के साथ आजसू पार्टी का दामन थामा। उनकी सदस्यता से बुद्धिजीवियों का बड़ा वर्ग पार्टी से जुड़ेगा। मौके पर आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि जमीनी विषयों को समझाने वाले और बौद्धिक तौर पर मजबूत युवाओं की राजनीति में जरूरत है। गांव और कस्बों में महत्वपूर्ण सेवा से जुड़े युवाओं के सार्वजनिक जीवन में आने से झारखंड में बदलाव की संभावनाएं भी तेज होंगी। डॉक्टर रामानुज ने कहा कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन में आने के लिए आजसू पार्टी का चयन किया है। उन्होंने कहा कि स्वराज स्वाभिमान यात्रा के जरिए उन्होंने आखिरी कतार में शामिल लोगों को आगे लाने की कोशिश की है। इससे भी राजनीति की धार बदलने वाली है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि झामुमो ने भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ने का निर्णय लिया है। एक सवाल के जवाब में सोरेन ने कहा, मेरी पार्टी का नारा है बीजेपी भगाओ देश बचाओ। बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए निजी हितों को तिलांजलि देनी पड़ती है, इसलिए झारखंड में बीजेपी विरोधी गठबंधन को अमली जामा पहनाने के लिए राज्य की बीजेपी विरोधी सभी राजनीतिक पार्टियों में इस आशय का समझौता हो गया है। गठबंधन के फॉर्मूले के तहत जहां कांग्रेस जेएमएम के नेतृत्व में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा का चुनाव लड़ने को राजी है, वहीं झामुमो अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ेगा। हेमंत ने कहा कि जिस पार्टी का जहां अधिक महत्व हो उसे वहां वरीयता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड में जेएमएम बड़ी पार्टी है, तो यहां वह स्वयं जेएमएम की ओर से विपक्ष के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। उसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर सभी बीजेपी विरोधी विपक्ष में सबसे अधिक सांसद कांग्रेस के हैं, तो प्रधानमंत्री पद पर उसकी दावेदारी बनती है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर चुनाव कार्य से जुड़े वैसे अफसरों को तत्काल स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है जो गृह जिले में पदस्थापित हैं या पिछले 3 साल से एक ही जिले में टिके हैं। आयोग ने कहा कि आदेश का अनुपालन करते समय राज्य सरकार यह ध्यान दे
कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी, रिटर्निंग अफसर, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर, पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी 31 मई 2017 से पहले हुए किसी आम चुनाव या उपचुनाव में किसी जिला या विधानसभा क्षेत्र में पद स्थापित रहे हैं तो उन्हें भी स्थानांतरित करें। आयोग ने 28 फरवरी तक निर्देश का अनुपालन कर मार्च के पहले सप्ताह में सूचित करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि वैसे अधिकारी भी इस दायरे में आएंगे जो किसी चुनाव में किसी विशेष काम के लिए नोडल पदाधिकारी नामित थे या जिले में ADM, SDM, डिप्टी कलेक्टर, BDO या इन पदाधिकारियों के रैंक में पद स्थापित थे। इसी तरह रेंज IG, DIG, कमांडेंट ऑफ स्टेट आर्म्स पुलिस, SSP, SP, एडिशनल SP, सब डिविजनल हेड ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के रैंक के अन्य पुलिस अधिकारी जो सुरक्षा इंतजामात के लिए उत्तरदायी हैं, उनका भी स्थानांतरण करने का निर्देश दिया गया है। अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। CP सिंह ने कहा कि गद्दार हैं शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा। पार्टी ने इन नेताओं को जितना कुछ दिया है उसके बदले में उनका यह रवैया पार्टी के साथ सबसे बड़ी गद्दारी है। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा का नाम लिए बगैर कहा कि चाहे कितने भी बड़े नेता हों, विरोधी रैली में शामिल हुए और पार्टी विरोधी बयान दे रहे हैं तो वे सभी गद्दार हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कोई सरकार देश के विकास के लिए काम कर रही है। विधायक रामकुमार ने कहा 4 साल में आदिवासियों का हुआ उद्धार। BJP ने दावा किया है कि पिछले 14 वर्षों से प्रदेश में कई दलों की सरकार बनी लेकिन झारखंड का विकास नहीं हो पाया। जब से BJP की सरकार बनी है तब से झारखंड में सबसे बेहतर विकास कार्य हुए हैं। BJP के ST मोर्चा के अध्यक्ष और विधायक रामकुमार पाहन ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जनजाति मोर्चा का गठन कर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक मिसाल कायम की है। इससे पहले भी राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री हुए लेकिन यह काम नहीं हो पाया, परंतु रघुवर दास ने 4 साल में ही कर दिखाया। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। फायरिंग करने वाले 2 उग्रवादियों को ग्रामीणों ने पीटा। बालूमाथ थाना क्षेत्र के कुशमाही रेलवे साइडिंग में रविवार की सुबह 2 बाइकों पर सवार होकर 6 की संख्या में आए प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद के उग्रवादियों ने फायरिंग कर दहशत फैलाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों की दिलेरी के कारण उग्रवादियों का यह मंसूबा विफल हो गया। ग्रामीणों ने फायरिंग किए जाने के बाद भी एक बाइक के साथ 2 उग्रवादियों कुंदन तिवारी एवं राम नंदन सिंह को पकड़ लिया और दोनों की जमकर पिटाई कर दी। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।